वार्ड क्रमांक 22 के रहवासियों ने पैसा इकट्ठा करके करवाते हैं अपनी वार्ड में काम। मामला वार्ड क्रमांक 22 का है, जहां वार्डवासियों का आरोप है कि हमारे वार्ड के पार्षद राजू ओझा हमसे भेदभाव कर रहे हैं, पता नहीं हमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। हमारे घर के बगल में बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है और प्लाटों में पानी भरा हुआ है, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ सकता है। वहीं हमारे घरों के बिल्कुल नज़दीक एक रास्ता क्षतिग्रस्त है, जिससे हम लोग पैदल भी नहीं निकल पाते। जब इस बात को रहवासियों ने पार्षद को बताया कि यहाँ रोड डलवा दीजिए, तो पार्षद का कहना है कि बरसात में कोई रोड का कार्य नहीं होता, जबकि महज कुछ ही दूरी पर चलकर देखा गया तो सीसी रोड का कार्य चल रहा था। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 22 की हालत इतनी खराब थी कि आप खुद वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। वहीं वार्डवासियों ने कई बार पैसा इकट्ठा किया, जिसका हिसाब किताब आपको इस खबर में दिखाया जा रहा है। उसी पैसे से वार्डवासियों ने एक प्राइवेट जेसीबी बुलाकर दो ट्रॉली मुरम कर उस रास्ते पर डलवाई थी, जो आज बरसात के पानी से पहले जैसी कीचड़ में तब्दील हो गई है। वार्डवासियों का ये भी आरोप है कि हमने कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायतों को बंद करवा दिया जाता है। अगर प्रशासन ने जल्दी हमारे वार्ड पर ध्यान नहीं दिया या पार्षद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम जल्दी कलेक्टर के यहाँ धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता उमेश राठौड़ ने जब नगरपालिका सीएमओ से इस विषय पर बात की, तो सीएमओ ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर उस रास्ते को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। ये रोड कब डला है? ये रोड परसों डला। ये वाला? हाँ, ये रोड परसों तैयार हुआ पूरा। कितने लगभग कितना फिट का होगा ये रोड? करीब 100 फिट का होगा। 100 फिट का रोड अभी डला है? बताइए भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है आपको कॉलोनी में? हम पूरे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं, नगर पालिका में भी कोई नहीं सुनने को तैयार है, हेल्पलाइन नंबर सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी सुनने कोई तैयार नहीं है। पार्षद को कई बार इस बारे में बता दिया गया, जो पार्षद का कहना है ये काम अभी नहीं हो सकता है, और सभी जगह उसकी रोड़े बन रही है, हमारी अब कुछ करने को वो तैयार नहीं है। कौन पार्षद कौन है? राजू पार्षद, राजू ओझा। वार्ड क्रमांक कौन सा ये? 22। और हम सारे ही लोग यहाँ पूरे मोहल्ले के 25-50 लोग हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, और चारों तरफ हमारे गंदी नालियों का पानी भरा हुआ, नाली का निकास नहीं है, नाली में कोई सफाई करने को तैयार नहीं, मेट कोई यहाँ आता नहीं। क्या आपका कहना था कि रोड डाली जा रही है आगे कॉलोनी में और यहाँ पर नहीं डाली जा रही है, क्या कहना है उसका? तो पार्षद का क्या कहना है? कि बारिश के टाइम पर रोड नहीं डल सकते। ठीक है, क्योंकि और दूसरी जगह डल रही है, अभी डल रही है प्रेजेंट में? बिल्कुल प्रेजेंट पोजीशन डल रही है, मैं चल के आपको दिखा सकता हूं। तो आपने ये बात पार्षद को कहा? मैंने पार्षद के अंदर है, पार्षद दिखता नहीं है क्या? नहीं, फिलहाल उससे कहते तो सही, क्या जवाब मिलता है? उसका कहना ये है कि यहाँ बारिश के मौसम में रोड नहीं डाल सकते बस, और जबकि दूसरी जगह रोड वो डाल रहा है। अच्छा, तो क्या आपसे कोई कॉलोनी वालों से कोई रंजिश है? क्या दिक्कत आ रही है? अब ये मैं ऐसा क्यों हो रहा है, मन में ऐसी कौन सी भावना है, लेकिन वो इधर नहीं देख रहा है। बोर्ड नहीं है यहाँ पे, बोर्ड भी नहीं है अभी, क्योंकि नई कॉलोनी बनी है यहाँ पर, अभी लोगों का दूसरी जगह बोर्ड है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार उप्पल। इस कॉलोनी में नहीं है, पहले दूसरी में था, अब हमने चेंज करवाया, लेकिन उसका कहना यही रहता है कि यहाँ पर आपके बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं इधर कुछ भी काम नहीं करवाऊंगा। अच्छा, बोर्ड का इशू है? बोर्ड का इशू है, मेन तो ये बोर्ड का ही इशू है। स्पष्ट बोलते हैं ये वाली बात? बोल दिया उन्होंने, बहुत से बार बोला है हमने, और मैंने तो खुद उनसे एक दिन बोला रस्ते में रुक कर कि भाई साहब आप हमारे आके देखे, कहने लगे मेरे से कि मेरे को फोटो खींच के भेज देना बस। आप फोटो खींच के भेजने से फोटो तो हमने 181 पे कई बार भेज दिए, बहुत बार। आपकी कंप्लेन करवाता कौन है? 181 हमें ही नहीं पता, और कटवाने वाला कौन है? यही है जो लोग यहाँ के मुखिया है। करीबन कितनी बार कंप्लेन की होगी आपने? कम से कम 3-4 की कंप्लेन है, और अभी भी मैंने टोटल की थी। टोटल मिला के कितनी हो गई होगी सबकी, लोगों की? सब लोगों की। क्या भाई साहब का भी कहना है कि इन्होंने? 15-20 करीब मेरी भी होंगी। अच्छा, सब लोगों ने की है मतलब कंप्लेन? मैं जनवरी से कंप्लेन कर रही हूँ इसके लिए, जनवरी से, आज जुलाई आ गया है, जनवरी से कंप्लेन चालू की थी मैंने कम से कम हर। अभी रोड का भी बता रहे थे कि रोड का आपने कुछ कहा था क्या उनसे, पार्षद से, रोड डालने का जो अभी जो ये कच्चा कच्चा बोला था उन्होंने, हमने उनसे बुलाया था एक दिन, तो उन्होंने बताया कि बरसात में नहीं डल पाएगी, ये कहना है उनका कि बरसात। अच्छा, और दूसरी जगह डल रही है, इसी कॉलोनी में दूसरी जगह डल रही है, दूसरी गली अभी रही। अभी भी डल रही है, लेकिन हमारी कॉलोनी में नहीं डल रही है, हमारे घर में ज्यादा।